नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुंची है और कैमरामैन को कहूंगा कहीं भी घुमा करके दिखाए जो समचाना गांव है। रोहतक गांव के बड़े बुजुर्ग किसान यहां पर जो लंगर चलाए हुए हैं, लगातार 1.5 महीना यहाँ पर इनको हो चुका है और मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन को, एक बार कहूँगा कि घुमा करके दिखाए। लगातार जो सेवाएं चल रही हैं किसानों की और जो जोश और जो जुनून लगातार बढ़ता ही जाने लग रहा है किसानों का, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार अभी तक झुकने का नाम नहीं ले रही है, केवल मुलाकात ही कर रही है। कुछ किसान मौजूद हमारे साथ, बुजुर्ग किसान युवा साथियों का आप ये जोश देख सकते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को अब की बार किसानों ने कह रखा है कि लाल किले के ऊपर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर परेड करेंगे। सबसे पहले सारे ताऊ राम राम जी। और जी ताऊ ठीक हो? ठीक है। नहीं बताओ, सरकार तो कल मुलाकात करिए झुक नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस मंशा को लेकर के? नहीं, अभी बातचीत चल रही है, अप एंड डाउन हो रहा है, कुछ दुकान पर है सरकार। अमित शाह ने कृषि मंत्री ने कहा जब हम तो संशोधन कराएंगे, रद्द कौन करा? नहीं, पहले तो MSP का है वो, उसका वैधानिक दर्जा दो, उसके बाद वो भी होगा, वापिस भी लिया जाएगा, समानुसार सब होना चाहिए, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन ये कुछ गुमराह कर रहे हैं बीच वाले। अच्छा, होगा, सारा काम होगा, जरूर होगा। किसानों में हिम्मत है, हिम्मत आज किसान 73 साल के अंदर किसान एकता हुई है, एकता में तो बल होता ही है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि काफी सालों के बाद ये आंदोलन उठा। ताऊ जी राम राम। क्या लगता है सरकार झुकेगी, क्योंकि लगभग आज 21 जनवरी हो चुकी है, अभी तक सहमत नहीं करी है सरकार? सरकार ने तो होना पड़ेगा, क्यों हमारा एकजुट हो रहा है, हम इन तीनों कानूनों को रद्द करवा के मानेंगे, इधर पीछे नहीं हटेंगे ना, बिल्कुल नहीं, वही जोश और जुनून है। हाँ, बिल्कुल नहीं हटाएंगे। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये तीनों कानून जो वापिस होने चाहिए जी। सरकार दोनों अटे हैं, हम तो वापिस होने करा, संशोधन कर देंगे। पक्का डर नहीं लगता ना जी, जाटे थे राजना जो खेता में रण लाग रहे। चलो, हाँ ताऊ जी। हाँ जी, हम नहीं झुकेंगे। कितने ट्रैक्टर ले जाओगे लाल किले अब की बार 100 ट्रैक्टर सब चला गाँव से 100? हाँ जी, पक्का जुनून देख सको भाई, हर गांव से नू मालो 100-200 ट्रैक्टर जाओगे तो लाखों की संख्या में लगभग 20 लाख ट्रैक्टर अब की बार लाल किले को पहुंचने वाले हैं। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे सरकार की इस मंशा को लेकर? मंशा क्या है कि भाई कानून तो रद्द होने चाहिए, MSP गारंटी होनी चाहिए, इस तब और कोई समझौता नीचे नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। सरकार बार बार नु कहे सरकार ने पीछे हटना पड़ेगा भाई, बाकी किसान नहीं हटता, किसान नहीं हटेंगे। चलो भाई, कुछ युवा साथी मौजूद हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे भाई सब इस आंदोलन को लेकर के? अजय भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप स्टार्टिंग से हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, हमारा मतलब जो ग्राउंड लेवल आप मतलब मीडिया के माध्यम से सबके सामने ला रहे हैं, और सरकार है इतनी बेशरम हो चुकी है कि वो झुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन झुकने वाले हम भी नहीं है, हम झुका के मानेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यहाँ बैठे हैं, और वो चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे कोई भी है, मेरे गांव का ये लंगर अभी यहाँ चल रहा है कम से कम 20-25 दिन से, और हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब सरकार कह रही है जैसे भाई मतलब कोई माओवादी, हम माओवादी है क्या? बिल्कुल, हमारे गांव का मतलब आप कभी खालिस्तानी कभी माओवादी, ये समचाना गांव हमारा रोहतक जिला है, वो देख ले कि माओवादी वहाँ बस रहे हैं या कोई पाकिस्तानी वहाँ या कोई अफगानिस्तानी है, वो जाएगा अपना सर्कुल देख है ना, हमारे पास सब कुछ है, हमारी ID देख है, या वो यहाँ आकर देख है, वो ये तो कह दे भैया माओवादी है, ये वहाँ से है, हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, ये हमारे बड़े बेटे हैं, ठीक है, हमारे हाथों में इन्होंने बेड़ी डाल रखी है, क्योंकि हम युवा हैं, इन्हें पता है 1 सेकंड लगेगी नहीं तो हमें आर से पार लड़ने में, क्योंकि इन ये किस लिए डट रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी अपद्र फैलाना, कुछ हैं जो मतलब यहाँ कुछ ऐसे अपद्र सामाजिक तत्व कोशिश करते हैं कि भाई मतलब इसको बदनाम किया जाए, लेकिन हम न तो बदनाम होने देंगे, न कोई हम ऐसा काम करेंगे, वो कह गोली चलवा देंगे, हम गोली खाने के लिए सीने पर तैयार हैं, क्योंकि एक तो वैसे भी मतलब खत्म कर देगी अडानी अंबानी के मतलब कोरोना में इन्होंने फायदा उठाकर इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, क्या किसी से पूछा? बिल्कुल, किसानों के ये काले कानून बना दिए, क्या किसी भी किसान को बुला के एक बार भी पूछा कि भाई हम आपके ये कानून मतलब पास करें या नहीं करें, क्योंकि किसान हम हैं, हमें पता है हम अपनी खेती कैसे करते हैं, बिल्कुल, चाहे ओलावृष्टि आ रही है, चाहे बारिश आ रही है, चाहे कुछ भी आ रहा है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हम वहीं खेतों में पड़े रहते हैं, ये क्या जाने गर्मी क्या सर्दी क्या, खेती बाड़ी कैसे हो है,
बिल्कुल ये आप जोश और ये जुनून देख सकते हैं, कह रहे हैं कि छाती में भले ही गोली लग जाए लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि इनको पता सभी को भाई तो थोड़ा इंडोरी पीछे करो एक बार, आप उस तरफ हो जाओ जी। हाँ जी ताऊ जी, राम राम भाई। हम उल्टे नहीं हटाएंगे, मोदी ने कति छका गए और आ गए और आएंगे तो पैदल ले आएंगे। कांग्रेस वाले ने बिठा रखे हो? नहीं, कांग्रेस वाले की बिठा रखे हैं, हम जमींदार हैं, अपनी खुद तक माप बैठे हैं। अच्छा, हम दमताने तो दिल्ली में लेन ला जाए ट्रैक्टर आगे दे के 26 करोड़। अच्छा, झोंकागे छोड़ डाएंगे इन्हें पक्का, ये मुँह में भी लठी दे जाएंगे ना झोंकागा। हम जब इतने चाहे कई दिन हो जाओ भंडारा चल लगा और खूब चल लगा भाई। बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब राम राम। राम राम। बोलिए सर। ठीक सर, बढ़िया भाई साहब। लग गया सरकार झुक जाएगी? सरकार ने झुकना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, कैसे? तो किसानों की एकता है ना, और इनका एकता में ही बल है हमारा, और किसान की ये बात है हमारी सरकार ने माननी पड़ेगी। हम तो माने नहीं, मनोहर लाल जी से और मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखो 25-30 दिन से भूखे तसाए कुकर खेता छोड़ छोड़ के अपने भाईचारे किस तरह ने बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल भैया, आप जोश और जुनून बुजुर्ग व्यक्तियों का, बुजुर्ग किसानों का ये आप देख सकते हैं। बस जी धन्यवाद। ताऊ जी क्या नाम आपका? राजवीर। राजवीर जी क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? आंदोलन ठीक ठाक रहा, सेवा कर रहा बढ़िया, और कति नहीं डरते मोदी से, और कानून नजर खड़ा का हटाएंगे। अच्छा, नहीं हट रहे कति, इतने पीछे नहीं हटते, पीछे नहीं हटते, चाहे गोली लागो, पीछे हटने का तो कोई काम है नहीं। अच्छा जी, मोदी सरकार तो जमींदारी के खिलाफ बहुत कुछ है वो कर रही है ना, किसी से सलाह मशविरा कर और वैसे थोप दिया एक किस्म से बिल्कुल जमींदारों के ऊपर, लेकिन जमींदार भी मुट्ठी बीच कद्दे भी ना हटा पाछे ने कुछ हो कोने हटा सरकार से मरना मंजूर है पर हटाएंगे नहीं। अच्छा, पक्का लोग कैसा? और गवर्नमेंट चाहे भाई 2 साल हटा लो, इसने डिले कर लो, चाहे और लंबा कर लो, लेकिन किसान फेंका आया है भाई। थोड़ा इतना जोश, मतलब किसानों के प्रति इतना जोश आपका भाई, कति फल जोश सर भाई। 26 तारीख ना आर पार की लड़ाई लड़ाए बच्चा, कोई भी आकर जियो भाई, हम आगे हटाने गए भाई, सारा डाल गया बच्चे एक प्लेस पर 10 बार ही रहे भाई, चाहे 10 जने आज हम उल्टे नहीं हटाए भाई किसी की मत पा। किसान भाई किसी भी कीमत पर उल्टे टन गए नहीं है भाई, सरकार ने चेतावनी दिया के 26 तक पहले मान जियो भाई, और नहीं मानने द्वार पार की लड़ाई लड़ाए भाई सारे आम कोई भी हो भाई। हम जोश और जुनून किसानों के अंदर देख सकते हैं, कह रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब 26 जनवरी को आप सभी को पता है कि अब की बार किसान परेड करने वाले हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी भाई, एक भाई की और बात रहेगी एक बार। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के, सरकार की इस मंशा को लेकर के, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि हम कानून रद्द करने वाले नहीं है। विवाह का मानना है सरकार ने, और क्या करना रही हमारे सरकार की तो मनसा में खोट है भाई, झूठे ढकोसले करे जा है, 1.5 साल डिले कर दें, 2 साल डिले कर देंगे, 2 साल की उनका मकसद के है, चलते चलते ना लास्ट में लागू करके चले जाएंगे, अगली सरकार के भी काटे गिर जाएंगे, अगली सरकार के भी यो बका बका अपना टेम काटे जाओ। बिल्कुल यो हम आप देख सको, यू हम ट्रैली वाले 2-3 ताऊ रह के फिर इनको होगा हमारी बात मिली है। हाँ जी ताऊ जी, राम राम भाई। नो कह रहा मोदी अच्छे दिन आओगे, वही से अच्छे दिन आ रहे यार, ये हैं साइड में बैठा रखे हैं। हाँ मोदी ने तेनू कहा है कई जने पकोड़े खाओ हलवा खाओ ठीक जी लग रहा है, पकोड़े कमानते कमानते नहीं भाई, खूब खावांगे भाई, मरा भाई पैसी खाएंगे भाई, और क्या पेट तो भरेंगे भाई। चक्रिय दे कांग्रेस तो बला करेगा मोदी, यो ईसा बला करे है भाई, सब कहेंगे 5,000 धान बिके, 1,800 बिना बिकते भाई, मतलब करते पक्की गैठ मार कर भाई, सरकार ने झुकावांगे भाई। हम मोदी ने रिक्वेस्ट करा है भाई, हमारी मान ली बात है। अच्छा हाँ भाई, बाबू दे दे किसाना ने जो MSP है ये लागू कर, लागू कर दे। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया आप। हाँ जी भाई साहब जी। अजय भाई मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, ये सरकार ने मतलब एक चीज देखी, पहले मतलब बैल होया करते बिल्कुल हल जोड़ा करता, ये सरकार ने सोचा मतलब अलखी चाल चल रहा किसान है, लेकिन वो नहीं, यूं नहीं पता हमारे पास मतलब इतने महंगे महंगे मतलब ट्रैक्टर है बहुत, जब दुनिया चांद बजा ली तो हम भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद यो ना समझे कि भाई किसान तो अपना वो हल्की चाल चलेंगे, लेकिन अब हमारी हल्की है ना, क्योंकि हम बोल नहीं रहे,
हम अपने नरमाई तो अपना बहुत ही अच्छी तरह से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार का मनसूबा ये चाहे कि भी किसान कुछ नहीं करेगा तो पीछे हटने वाले हम है नहीं। बार के मूड में है, गोली खाने के लिए तैयार बैठे हैं, पीछे हटने के लिए हम तैयार नहीं बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो भाई आप देख सकते हैं, क्योंकि सरकार जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का बर्ताव इन किसानों के साथ करेगी, किसान भी उसी का जवाब उसी प्रकार से देने के लिए अब तैयार है। आपको वीडियो कैसे लगी? वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जबार द्वार। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।